नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा के द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में नोडल अधिकारी साइबर अपराध विवेक त्रिपाठी के कुशल मार्गदर्शन में साइबर सेल आजमगढ़ में नियुक्त मुख्य आरक्षी मुकेश भारती द्वारा फ्लैश मैसेज के माध्यम से फ्रॉड किए गए 20,000 रुपए बरामद किए गए। आवेदक परमेश्वर कुमार निवासी संजयपुर थाना सरामीर जनपद आजमगढ़ को एक अज्ञात नंबर से फ्लैश मैसेज द्वारा एक लिंक आया, जिस पर आवेदक द्वारा बिना जांचे क्लिक कर दिया गया। वह लिंक ओपन होने पर अपना UPI पिन डाल दिया गया, जिस कारण आवेदक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 20,000 रुपए कट गया। आवेदक द्वारा उक्त साइबर फ्रॉड की जानकारी 9 जुलाई 2024 को साइबर सेल आजमगढ़ को दी गई, जिस पर साइबर सेल में नियुक्त मुख्य आरक्षी मुकेश भारती द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते से साइबर अपराधियों द्वारा निकाले गए रुपए को ब्लॉक कराते हुए 10 जुलाई 2024 को आवेदक का 20,000 रुपया आवेदक के खाते में वापस कराया गया। फ्रॉड हुए पैसे तुरंत वापस होने पर शिकायतकर्ता द्वारा साइबर सेल आजमगढ़ द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई एवं आभार जताया गया। फ्लैश मैसेज SMS एक प्रकार का संदेश है, जिसकी एक अनूठी विशेषता है, ये डिवाइस की मेमोरी में संग्रहित किए बिना प्राप्तकर्ता के फोन स्क्रीन पर सीधे दिखाई देता है। यह फ्लैश SMS को विशेष रूप से आकर्षक और सुरक्षित बनाता है, क्योंकि यह प्रेषक को प्राप्तकर्ता का ध्यान तुरंत आकर्षित करने और डिवाइस के SMS इनबॉक्स में संग्रहित किए बिना संवेदनशील जानकारी देने की अनुमति देता है। ऐसा अज्ञात टेक्स्ट मैसेज जो आकर साइबर अपराधियों द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया के नाम पर या बैंकों, इंश्योरेंस कंपनी आदि के नाम से अनेकों लोगों को भेजा जाता है, जिसमें एक लिंक होता है और कोई लालच दिया जाता है कि लिंक पर क्लिक करने से पैसा मिलेगा। लालच बस लोग लिंक पर क्लिक कर देते हैं तथा UPI पिन डाल देते हैं, जिससे पैसा निकल जाता है। किसी भी प्रकार की अनजान लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक ना करें, वह साइबर अपराधियों की चाल हो सकती है। किसी भी प्रकार के लोन के लिए सिर्फ अधिकृत बैंक में ही संपर्क करें और किसी भी प्रकार की शिकायत हेतु हेल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.government.in अथवा 112 हेल्पलाइन नंबर डायल करें अथवा साइबर सेल आजमगढ़ के नंबर 87 87 21 56 35 या 82 99 08 33 54 या 83 17 08 52 43 या 94 15 68 70 96 पर कॉल कर सकते हैं। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। 20,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई थी, आज रिकवरी कराई गई है। कहाँ का था व्यक्ति और किस तरह से धोखाधड़ी हुई थी? जैसा कि आप अवगत हैं, जो कंपनियां हैं, जैसे हमारी सिम जिस कंपनी की है, एयरटेल, वोडा या जियो की, ये लोग जैसे आपके जो अवधि ख़त्म होती है आपके डेटा प्लान की, तो उसके लिए मैसेज भेजते हैं। ऐसे मैसेजेस को फ्लैश मैसेज कहा जाता है। और कोई बिल का भुगतान करना होता है तो ऐसे मैसेज आते हैं कंपनियों की तरफ से। इसी की आड़ में धोखाधड़ी करने वाले, साइबर धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति फर्जी मैसेज बनाते हैं और वो कंपनियों के नाम से उसमें एक दो शब्द चेंज कर देते हैं कंपनियों के नाम से, फिर उसको जनता को भेजते हैं और पब्लिक को ये लगता है कि ये जेन्युइन मैसेज है। उसमें एक लिंक होता है, उस लिंक पे अगर आप क्लिक कर देते हैं और उसमें ये लिखा रहता है कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पैसे प्राप्त होंगे, और जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं और UPI अपना कोड डालते हैं, वो पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है। ऐसा ही एक प्रकरण साइबर सेल जनपद आजमगढ़ द्वारा सॉल्व किया गया है। इसमें 20,000 रुपये चले गए थे, एक व्यक्ति द्वारा ऐसे मैसेज पे क्लिक किया गया और अपना UPI पिन डाल दिया गया। वो सरायमीर के संजरपुर थाने का रहने वाला है, संजरपुर गांव का रहने वाला है, तो उसके पैसे 2 दिवस के अंदर साइबर सेल द्वारा वापस करा दिए गए थे। आप लोगों के माध्यम से ये अपील है जनता के सामान्य व्यक्तियों से कि कभी भी ऐसे मैसेजेस को बिना वेरीफाई किए क्लिक ना करें। इसमें कभी कभी ऐसे मैसेज आ जाते हैं कि मोनू ने आपके लिए पैसा भेजा है, सोनू ने आपके लिए पैसा भेजा है, तो आपके किसी परिचित का नाम वैसा लग रहा होगा, आप उस पर कभी लालच में ना आकर के क्लिक ना करें।
उसको वेरीफाई करके उसके बाद ही उस पर कोई कार्रवाई करें। अगर कोई अपराध होता है 1930 पे तत्काल शिकायत दर्ज करें और जो साइबर थाना है, साइबर सेल आजमगढ़, उस पर भी शिकायत करें। अगर 3 दिन के अंदर आप शिकायत कर देते हैं उस पैसे को होल्ड करके रुकवाया जा सकता है, उसके बाद विलम्ब होने पर पैसा निकल जाता है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।